समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और भंडारे वास्तव में समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके चलते लोगों में धर्म के प्रति आस्था तो बढ़ती ही है, समाज में भेदभाव जैसी कुरीतियों का भी अंत करती है। इसलिए इन कार्यक्रमों में लोगों को अधिकाधिक सहयोग करना चाहिए। श्री अकेला ने उक्त उद्गार क्षेत्र के माझगांव स्थित जौनपुर नहर ब्रांच पर स्थित बड़े बाबा के स्थान पर आयोजित वार्षिक भंडारे के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि श्री अकेला ने आयोजकों के प्रयास को सफल बताते हुए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया तथा आए हुए जनसमुदाय से आग्रह किया कि इस स्थान के संरक्षण और सुंदरीकरण के लिए दिल खोलकर मदद दें। उन्होंने घोषणा की है कि इस स्थान पर वह भविष्य में एक सोलर लाइट तथा एक इंडिया माँ का हैंडपंप जरूर लगाएंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजकुमार सिंह उर्फ मोंगा लवलेश कुमार पांड्या ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्थानीय अध्यक्ष राजू सिंह ने कार्यक्रम के आयोजक वासुदेव कुमार, शिव बहादुर, अशोक अवस्थी, रामचंद्र सिंह को सम्मानित भी किया। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भंडारे के प्रसाद को ग्रहण किया। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक जी, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, किस लिए आए हो आप? देखिए, आज यहाँ माझगांव के गांव में हम लोग खड़े हैं और ये बड़े बाबा का दरबार है। बड़े बाबा के दरबार में पिछले कई वर्षों से सभी ग्रामवासी मिलकर यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। इस बार भंडारे का आयोजन हमारे नौजवान साथी वासुदेव जी, रामसमुद्र जी और उनके और सहयोगियों ग्रामवासियों ने मिलकर के इस भंडारे का आयोजन किया और भंडारा शुरू होने वाला है। यहाँ इस भंडारे में कुटवा महमदाबाद, सीवन राजापुर, माझगांव जमरावा, बसंतपुर सकतपुर, इस सारे इलाके के लोग यहाँ पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आएंगे। यहाँ पर मंदिर की स्थापना का भी संकल्प है और ये सारे आयोजन गांव में भाईचारा, गांव में इंसानियत का पैगाम देने के लिए सार्थक होते हैं और ऐसे आयोजन के लिए मैं वासुदेव उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूं। और जितने भी लोग इस भंडारे में आए हैं उन सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए बड़े बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि बड़े बाबा ग्रामवासियों की रक्षा करने का काम करना, इन सबको आशीर्वाद देने का काम करना और संपूर्ण हमारा विधानसभा क्षेत्र, इस इलाके में हमने बहुत सारा काम किया। इलाके के लोग जानते हैं कि कुटवा मोहम्मदाबाद जाने का कोई रास्ता नहीं था, राजापुर सीवन जाने का कोई रास्ता नहीं था, माझगांव जमरावा से हलोर जाने का कोई रास्ता नहीं था और जिस जौनपुर ब्रांच में हम खड़े हैं, इस जौनपुर ब्रांच में भी बरसात के दिनों में साइकिल से आना जाना मुश्किल हुआ करता था। इन सारे रास्तों को हमने डामरीकृत कराने का काम किया और शानदार विकास हमारे इस क्षेत्र का हुआ। और इसके 2 किलोमीटर के अंतर में जब आप राजापुर जाएंगे तो वहाँ शानदार हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना कराया है और इस क्षेत्र के गरीब लोग जो रायबरेली महाराजगंज इलाज के लिए नहीं जा सकते, वहाँ राजापुर में शानदार प्राथमिक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र खुला है, वहाँ लोगों का इलाज होता है। इसलिए आने वाले दिनों में जब कभी बड़े बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं इस स्थान पर एक इंडिया मार्क का हैंडपाइप तो लगवाऊंगा ही, मंदिर के निर्माण में जो सहयोग हो सकेगा, इसके अलावा इस स्थान पर प्रकाश लगातार कायम रहे इसके लिए भी सौर ऊर्जा का एक जो सौर ऊर्जा की भी स्थापना इस स्थान पर करेंगे हम। इसके अलावा अन्य जो भी आवश्यकताएं इस क्षेत्र के लोगों की हैं मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि क्योंकि रामलाल अकेला इस इलाके की कोई डेहरी नहीं है, जहाँ जा कर के दरवाजे हमने लोगों के सुख दर्द को जानने का काम न किया हो, तो मैं पूरे इलाके के बारे में जानता हूं और आने वाले समय में बड़े बाबा का आशीर्वाद रहा मिलेगा तो फिर से हमारा क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ने का काम करेगा।
एक बार फिर मैं इस भंडारे के लिए सभी आए हुए लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि एक बार जरा हमारे साथ मिलकर सब लोग जयकारा लगाइए। बोले बड़े बाबा के, बड़े बाबा के, बड़े बाबा के।